अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी इसरा। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ आप लोगों की दुआओं से। तो आज जुम्मा है, तो आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा बहुत 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 मुबारक। अल्लाह आप सबकी दुआएं कबूल करे, जो भी आप लोगों ने इबादत करी है उन सबको कबूल करे और मेरी भी दुआएं कबूल करे, आमीन। तो आज हमारे साथ पता क्या हुआ, अम्मी ने मुझसे कहा कि क्या कहते हैं आज अलविदा का जुम्मा है। मैंने क्या अलविदा का जुम्मा है, अच्छा चलो अलविदा का जुम्मा है। तो हम क्योंकि सब शुरू से ही चार जुम्मे आए हैं जब तक, तो मैं भी ये सोच रही थी, अम्मी भी ये सोच रही थी कि चार जुम्मे ही आएंगे, बट हम भूल गए कि पहला रोज़ा जुम्मे का था, तो इस वजह से अभी एक जुम्मा और बाकी है हमारा। हमारे साथ ये बेवकूफ़ीपन हुई और अम्मी कहने लगी अलविदा का जुम्मा है ये वो, और हमने अलविदा के स्टेटस डाल दिया अलविदा जुम्मे का। मुझे पता ही नहीं था ये प्रॉब्लम, ये हमारे साथ ही मेंटल बना हुआ बहुत ज़्यादा। फिर सबके मेरे पास मैसेज आते हैं, बावली आज अलविदा का जुम्मा नहीं है, पागल मेंटल, अलविदा का जुम्मा नहीं है, अभी एक जुम्मा और बाकी है। तो तब मुझे पता चला एक जुम्मा और बाकी है। फिर मैंने कैलेंडर देखा, मैंने कहा अम्मी है, अम्मी तो सबकी अम्मी सही कहती हैं, सबकी अम्मियाँ जो होती हैं उनको सही कहती हैं, तो हमने सोचा हमारी अम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं। अम्मी को खुद नहीं पता था कि आज अलविदा का जुम्मा नहीं है। फिर जब मैं उसको ऊपर उठती हूँ, मैंने सबके मैसेज देखे हैं कि आज अलविदा का जुम्मा नहीं है, फिर मैंने अम्मी को बताया अलविदा का नहीं, तो अम्मी भी यही समझ के बैठी नहीं थी कि आज अलविदा का जुम्मा है। मैंने कहा अम्मी एक जुम्मा और बाकी है, अभी अलविदा का जुम्मा नहीं है। मैंने स्टेटस भी डाल दिया, बेइज्जती हो गई मेरी। कहने लगी क्या बेइज्जती, रमजान तो वैसे भी जा ही रहे हैं, अलविदा तो कर ही रहे हैं, हमें बात तो एक ही है, तो बात तो सही है, मतलब 8 रोज़ रह गए हैं बस, ओनली 8 रमज़ान रह चुके हैं। अल्लाह पाक हम जितने भी इबादत करी है सबकी इबादतें कबूल फरमाए, जिसकी रह गई है ये बच्चे बहुत बदतमीज हैं, जब भी हम बोलते हैं ना बदतमीजी करते हैं। हमारे घर में यहाँ पर ये बच्चे ना हमें व्लॉग तक नहीं बनाने देते, इतना चीखते हैं ये छोटे छोटे बच्चे। और आज अबू बकर उमर भी आए हुए हैं, ये आए थे चांद रात पे और अब आएंगे, इनको हमारी तब से अब तक कुछ कोई याद नहीं आई, कोई कुछ नहीं आया, तो ये तब से अब आए चांद रात से, अभी इन्होंने तशरीफ़ रखी है, आधे रमज़ान भी होने के बाद बस 8 रोज़ रह गए, तो ये तब आए मिलने हमसे, नहीं तो हमें लग रहा था ईद पर आएंगे ये। तो मैं ये कह रही थी सब अल्लाह पाक सबकी दुआएं कबूल फरमाए, सबने बहुत अच्छी अच्छी दुआएं मांगी होंगी, कोई परेशान भी होगा तो कोई अच्छा भी होगा, पर सबके जैसे भी हालात हैं, जैसे भी सब में अल्लाह पाक सबकी दुआ कबूल फरमाए, सबकी परेशानियां दूर कर, ज़्यादा तो जो लोग परेशान हैं सबकी परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन। सबके जो भी काम रुके हुए हैं उनको आसान अता फरमाए, जिनकी लड़कियों की शादी नहीं हो रही उनकी जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे रिश्ता है और उनकी शादी हो जाए, आमीन। अम्मी कहती हैं दुआ ज़रूर करा करो, तो इसके लिए आमीन, सब आमीन बोलेगा। ओके चलिए, और आज हम बनाने वाले हैं काली मिर्च चिकन। तो हमने एक नई डिश ट्राई करने वाले हैं, बनाने वाली है मैं भी शापी, और मतलब वो भी बनाएंगी तो मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं व्लॉग बनाऊंगी, तो मैं ये सब जैसे वो लोग नई नई डिशें बनाते हैं तो मैं भी सीख लेती हूँ, जैसे इन्होंने पहले बनाया था तो वो भी मुझे आ गया है, वो मैंने सीख लिया, अब नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊंगी। अब वो ये बना रही हैं तो मैं सीख लूँगी उनसे, फिर नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कच्ची हूँ, मुझे भी इतना ज़्यादा नहीं बनाना आता, मुझे अभी तक बिरयानी भी सच में सही से नहीं आई, तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके सब चीज़ें बनाना सीख रही हूँ। ओके बहुत ज़्यादा बोल ली मैं, अब पहले दिखा दूँ आप लोगों को हम क्या बना रहे हैं। ओके फर्स्ट इन्होंने ये करा है, इसमें जो काली मिर्च हैं इसको ये भून रही हैं, भूनना तो कहते हैं सर, इसको भूनेंगे, फिर इसके बाद इसको इमाम दस्ते में कूटेंगे, ज़्यादा कूटेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं, नॉर्मल ठीक है। अब इन्होंने ये गोश्त को कर लिया था, इन्होंने वॉश चिकन को इन्होंने वॉश कर लिया था, अब इसको क्या करेंगी, मैरिनेट करेंगी, इसमें मसाले वसाले डाल के इसको मैरिनेट करेंगी। नमक डाल रही हैं इसमें, और मैं आप लोगों को बता दूं ये हमारा 1 kg चिकन है, और इसमें दही भी डालेंगी, ये दही डालेंगे, कितनी दही डाल रही हूँ मैं शापी इसमें, कितनी ये पता नहीं कितनी होगी, कितनी बताएंगे हम, ये तो ये आधा किलो ही दही होगी मुझे लग रही है, हाँ आधा किलो दही होगी,
और इसमें क्योंकि ये दही में ही मैरिनेट होता है पूरा चिकन, तो इस वजह से इसमें दही ज़्यादा ही डलेगी। अब यहाँ पर ये कूट रही हैं काली मिर्चें। तो जो दही थी ना हमारी, तो वो हमारी आधा किलो ही थी। मैंने बिल्कुल सही बताया था कि ये आधा किलो ही दही लग रही है, तो ये आधा ही किलो थी। तो मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ कि मैं बता सकती हूँ कि आधा किलो दही है। ओके, वो अलग बात है कि मुझे अभी खाना बनाना नहीं आता, बट मैं सब चीज़ें पता है मुझे। तो पापा कह रहे हैं वो आधा किलो दही थी, तो हमने अपने हिसाब से सही डाली है क्योंकि हमारा 1 kg चिकन है, तो इसलिए हमने आधा किलो दही लिए। तो आप लोग भी आधा किलो ले लीजिएगा अगर बनाएंगे तो। वैसे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनने वाली है। टेस्ट करने वाली तो मैं ही हूँ, मैं सब बता देती हूँ। ओके, इन्होंने ये पीस ली है काली मिर्च, अभी डाल रही हैं। तो आप लोग भी ना इसको पीसिएगा, ऐसे ही मिक्सी में मत इसको करिएगा। ओके, इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। मिक्सी में ना बहुत ज़्यादा वो पीस जाती हैं। आधी डालनी है फिर आधी बाद में डालनी, आधी डालनी है इसमें और आधी बाद में डालनी है। ये तो कितनी ली थी वैसे तुमने काली मिर्चें, तो बता देती। मैंने इसमें कम से कम समझ ली 40 काली मिर्चें ली हैं। 40 काली मिर्चें ली हैं? अच्छा, तो 40 काली मिर्चें ली हैं उन्होंने, गिन कर ली हैं। हाँ। तो आप लोग भी इनके ले लीजिएगा, ये बिल्कुल अंदाजे से बता रही हैं आपको। रख दिया ये इसमें, इन्होंने काटी है 4 प्याज और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट और ये इन्होंने स्पाइसेस निकाले हैं, ये लौंग और ये पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और ये काजू लिए, 20-25 काजू लिए इन्होंने। अभी इन सबको इसमें कढ़ाई में करेंगी, तेल में करेंगी फ्राई। पहले पत्ता डालूंगी। अभी ये थोड़ा पक जाएगा, थोड़ा प्याज वगैरह, तो उसके बाद इसमें काजू ऐड होंगे। ओके, ये काजू हमारे ये मेवशा अपने वॉश करेंगे और ये भी इसमें ऐड करेंगे। पाँच से 7-10 मिनट इसको होगा है पकते पकते। 5-10 मिनट हमने इसकी जो प्याज वगैरह डाली थी सब डाल दिया, इसको पकाया है मसाले को ढककर और फिर इसमें काजू ऐड करें। अभी थोड़ा और होगा, फिर उसके बाद बताऊंगा आगे का प्रोसेस। अब इसमें से हम जो मोटे मसाले हैं जैसे कि ये तेज़पत्ते पत्ता, ये जो मोटे मोटे मसाले हैं हटा देंगी इसमें, मतलब ये पत्ते वगैरह हटा देंगी क्योंकि इनका जो टेस्ट था ना वो उसमें चला गया है, हमारी ग्रेवी के अंदर चला गया है इसका टेस्ट, तो ये हटा देंगे। और ये मोटी वाली काली वाली इलायची, और काली वाली इलायची बैठा देंगे। अब ये इसे मसाले को ठंडा होने के लिए रख देंगी और फिर उसके बाद इसको मिक्सी में पीस देंगी। ओके, मैं भी चाबी कह रही हूँ ग्राइंड बोलना नहीं आता, मैंने कहा मुझे आसान लगता है, पीस देंगी तो पीस देंगी, सिर्फ मसाले को पीस देंगी, ग्राइंड कर देंगी मसाले को। ओके, कुछ भी कुछ भी। अब हमने ग्राइंड कर लिया है इसको मिक्सी में, पीसा नहीं है, हमने ग्राइंड कर लिया है मिक्सी के अंदर इसको, इसका पूरा पेस्ट बन चुका है ये। अब मैरी शापी ने डाला है कढ़ाई में ऑयल, 3 से 4 चम्मच इसमें आपको डालना है ऑयल। ठीक है, अब ये इस मसाले को जो जो हमने पीसा है इसको ऐड कर देंगे तेल। थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए, जो भी इसमें मसाला है वो भी इसको निकाल लीजिए अच्छे तरीके से। कोई मसाला हमारा रुके नहीं, इसमें भी लगा हुआ है ठीक है। अपने मिक्सी में पीसने बस यही होता है, मसाला ना चिपक जाता है उसमें चीज़ों। अब इसमें ये ऐड करने वाली है बटर, हमारे पास अमूल बटर था तो इसलिए हमने अमूल बटर लिया है। अगर आपके पास न्यूट्रलाइट बटर भी है तो आप वो भी ले सकते हैं, सब सेम ही होते हैं।
मोमोज बटर लेने हैं, थोड़ा सा ही डाले हैं इसमें, थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा ऑयल यूज करना है और थोड़ा सा बटर हमने इसमें डाला है ताकि टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाए इसका। अब ये जो इसको थोड़ा भून रही है ताकि ये अच्छे से भून जाए, क्योंकि अब इसकी भुनाई तब तक होगी जब तक इसमें ऑयल नहीं आ जाता ऊपर। ओके, इसमें अपना आप ही ऑयल आएगा, भूनते भूनते इसमें अपना ऑयल ऊपर आ जाएगा। देखिए इसमें आ चुका है ऑयल ऊपर, ये हमारा मसाला भुन चुका है अच्छे से। नाइस। देखिए अभी जो हमने मैरिनेट करा था चिकन, ये हमें 30 मिनट हो चुके हैं, अब ये ऐड करेंगे इस ग्रेवी में, इसको ऐड करेंगे, ये पूरी ग्रेवी इसमें से ऐड होगी। थोड़ा सा पानी डाल के इसकी पूरी दही वगैरह सब साफ करनी है, जैसे खाने में प्लेट साफ करते हैं ऐसे हमें ये साफ करनी है। ये हल्का सा गिरा है नीचे। अब इसे कब तक पकाना है? 8 से 10 मिनट तक इसे पकाने, जब तक चिकन गल ना जाए और तेल ऊपर ना आ जाए थोड़ा। अच्छा, 8 से 10 मिनट तक इसे पकाना है, चिकन गल ना जाए और ऑयल ऊपर नहीं आ जाए, तब तक ये पकेगा। ओके, आप लोग भी इसे पका लीजिएगा, आई होप आप लोग ट्राई तो जरूर करेंगे ये घर में। करेंगे ना, आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखने में तो बहुत मजे का लग रहा है, खाने से पता चलेगा कितना मजे का लगेगा। देखिए हमारा चिकन पक के रेडी हो चुका है, इसमें मैं विशाखा ने डाले हैं काली मिर्चें और अब इसमें डलेगी दही, वो दही क्रीम, अमूल की क्रीम, अमूल की फ्रेश क्रीम डलेगी, दही निकल गया अमूल से। हमारे घर की लाइट जा चुकी है इसमें, थोड़ा ऐसा लग रहा है। ये ना एक कटोरी हो गई ना, इसमें उन्होंने क्रीम डाली है। हरा धनिया इसमें नहीं डलेगा, हरे धनिया की डंडियां डलेंगी इसमें, इससे इसका टेस्ट और अच्छा आ जाएगा, टेस्ट अच्छा हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि हरा धनिया मत डालिएगा इसमें, हरे धनिया की डंडियां ही डालिएगा। ओके, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए ये बन चुका है, ये आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि लाइट चली गई है घर की। नाइस, देखने में तो बहुत मजे का लग रहा है। हमारे घर में आ जाए हुए हैं ये अबू बकर, देखे करेंगे, हर बच्चे का यही हाल है, बस फ़ोन लेके बैठे रहते हैं ये लोग। ये अपने पापा को कॉल कर रहे हैं कि इनके पापा कहाँ रह गए हैं, है ना अबू बकर? पापा को कॉल कर रहे हैं। ये रहे इनके दूसरे भाई, सोकर उठे हैं अभी, इनकी गुड मॉर्निंग हुई है। उमर इन सब ने तो निकाल लिया है, मम्मी निकाल रही हैं खाना, इन सब से पूछेंगे कैसा बना है। अबू बकर आपने खाया, कैसा लगा आपको? गंदा, ओह माय गॉड, बताओ ना खालन कैसा लगा? गंदा, 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 बहुत अच्छा है, थैंक यू। बहुत अच्छा है, ओ माय गॉड, इतने मजे का है। अबू बकर को तो बहुत अच्छा लगा है। अब मम्मी की बारी, मम्मी खा रही हैं, भाभी खा रही हैं, बताएंगे कैसा बना। अच्छा बना, अच्छा बना है। ये है चिकन काली मिर्च, चिकन काली मिर्च कैसा बना है मम्मी पापा? अच्छा बना है, अच्छा बना। अब टेस्ट करने वाले हम लोग मेरी शापी और मैं, देखते हैं कैसा बनाया है मेरी शापी। बहुत अच्छा बनाया मेरी शापी, मेरी शापी पास हो गई है, आपने बहुत अच्छा बनाया। A few moments later. आ रहे हैं उबकर, टाटा उबकर, बाय उबकर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा टाटा, कब आओगे? अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बाय बाय बाय, नहीं खत्म होगा इनका, बाय बाय। बहवी शापी ने सच में बहुत अच्छा बनाया था सालन, जो बनाया था बहुत अच्छा बनाया था, और मैं भी सीख गई उनसे, मुझे भी आ गया बनाना, तो इस वजह से ही मैं ये वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मैं भी सीख जाती हूँ। मम्मी कहती हैं ऐसे ही करते करते तुम्हें भी आ जाएगा, तो मैंने भी सीख लिया है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊँगी। और
सबको बहुत अच्छा लगा, भाई को, भाभी को, सबको, सब आए हुए थे तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। दोनों भाई भाभी हमारे आए हुए थे, बच्चे आए हुए थे तो उन सबको भी बहुत अच्छा लगा। चलिए फिर ब्लॉग ज़्यादा लॉन्ग नहीं हो जाए, लंबा नहीं हो जाए, हम अपने ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। तो अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।